सबसे बड़ा सवाल तो यही है तो ये तस्वीरें जो है वो आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से विक्रम चौक ब्रिज को यहाँ पर ब्लॉक कर दिया गया है हुआ राजपूत सभा द्वारा। और हर बार जो है ये यही मांग रहती है, चाहे महाराजा हरि सिंह जी का जन्मदिन होता है, हर साल इस चीज़ को लेकर मांग की जाती है। लेकिन ये मांग जो है कि लंबे समय से पेंडिंग है और हर बार जो है वो यहाँ पर महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन में जहाँ पर सेलिब्रेशन होती हैं वहाँ पर ये मांग भी होती है। और अगर इस साल की बात करें तो इस साल भी सेलिब्रेशन के साथ साथ यहाँ पर प्रदर्शन भी देखा गया और इनकी ओर से ये भी घोषित किया गया कि हर महीने की 23 तारीख को जम्मू में ब्रिज ब्लॉक कर दिए जाएंगे अगर महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन की छुट्टी नहीं दी गई। तो आज एक बार फिर से इनकी ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है और ब्रिज को ब्लॉक कर दिया गया है ताकि महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन की छुट्टी यहाँ पर इनको मिल पाए। सिकोल में दूसरा प्रोटेस्ट है, हमने डिसाइड किया था कि सिर्फ 23 सितंबर को नहीं बल्कि हर महीने की 23 तारीख को जितने भी डोगरा समाज के लोग हैं जिनके दिल में भी डोगरा समाज के प्रति महाराजा हरि सिंह जी के प्रति प्रेम भाव है वो लोग हर 23 तारीख को इकट्ठा होकर यहाँ तभी पुल ब्लॉक करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, अपना गुस्सा जो है एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ जाहिर करेंगे। और वहीं आज हुआ, आप देख सकते हैं कितने युवा यहाँ इकट्ठे हुए हैं, सबकी जुबान पर एक ही नाम है कि महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी जो है वो ड्यू है, वो हमारा हक है, वो हमें मिलना चाहिए। और ये अगर इतना बड़ा प्रोटेस्ट देखकर भी एडमिनिस्ट्रेशन के आंख नहीं हमारी तरफ आ रही, उनके कान नहीं खुल रहे, तो मैं समझता हूँ ये लानत है ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो सिर्फ एक मामूली सी छुट्टी हमें नहीं दे पा रही, प्रोविंशियल हॉलीडे हमें नहीं दे पा रही, ऐसी नाकामयाब सरकार के आगे हमारे हाथ खड़े हैं, इसलिए हम आज यहाँ पर गुस्से में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल नया कैलेंडर नवंबर एंडिंग है, दिसंबर स्टार्टिंग में अभी लॉन्च हो जाएगा JKUT का। हमें उम्मीद है कि एडमिनिस्ट्रेशन और खासकर नए LG साहब मनोज सिन्हा जी हमारी बात का संज्ञान करेंगे और छुट्टी की जो हमारी डिमांड है प्रोविंशियल हॉलीडे की वो उस कैलेंडर में दी जाएगी। पर अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारा आगे का प्रोग्राम है कि हम 10 दिसंबर को इसी तवी पुल पे इसी स्टैचू के नीचे हमारा तंबू यहाँ पे हम लगा देंगे और यहाँ पे एक परमानेंट प्रोटेस्ट आपको देखने को मिलेगा। महाराजा हरि सिंह जी, आप लोगों ने सुना कि इनका कहना है अगर इनकी मांग पूरी नहीं होती तो आने वाले 10 दिसंबर यानी कि कुछ दिनों बाद ही यहाँ पर इनकी ओर से टेंट लगा दिए जाएंगे और ये लोग यहीं पर रहेंगे जब तक महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन की छुट्टी नहीं मिलती। और इस समय आप तस्वीरें देख रहे हैं और पूरी तरह से रोड को ब्लॉक कर दिया गया है, युवा राजपूत सभा के जितने भी लोग हैं वो रोड पर बैठ गए और पूरी रोड को जाम कर दिया। अगर रोड के पीछे का पोर्शन दिखाऊँ इस समय कितना ट्रैफिक जाम जो है वो यहाँ पर हो चुका है, जम्मू कश्मीर पुलिस यहाँ मौजूद है और उनकी ओर से लगातार इनसे बातचीत करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि जो ट्रैफिक इतना पीछे लगा हुआ उसे क्लियर किया जाए। लेकिन इनकी ओर से जो है वो यही मांग है कि ये प्रदर्शन इसी तरह से जारी रहेगा। इनका साफ तौर से कहना है यही उम्मीद करते हैं कि जो आने वाला नए साल का कैलेंडर है उसमें महाराजा हरि सिंह जी के छुट्टी को जो है वो ग्रहण किया जाएगा। तस्वीरें आप लोग देखिए कि कितना लंबा जाम जो है वो इस समय लग चुका है, लोग यहाँ से निकलने के लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा लग चुका है और लोग जो है वो निकलने की अपील कर रहे हैं लेकिन इनके द्वारा जो है वो रोड ब्लॉक कर दी गई है, इसलिए किसी भी व्यक्ति को आगे नहीं जाने दिया जा रहा है क्योंकि छुट्टी की मांग जो है वो की जा रही है। इसके पहले पिछले साल के बात करूं तो पिछले साल भी इस चीज़ को लेकर डिमांड की गई, उससे पहले भी की गई और लगातार ये डिमांड चलती आ रही है। पिछले महीने भी इस कदर से ही कुछ मंजर देखने को मिला था और उससे पहले आप लोग जानते हैं जिस महाराजा हरि सिंह जी का जन्मदिन था उस दिन भी जो है वो इसी तरह की ओर से प्रदर्शन किया गया था। महाराजा हरि सिंह जी की बात करें तो जम्मू कश्मीर को देश का हिस्सा भी महाराजा हरि सिंह ने बनाया था, फीमेल्स के लिए स्कूल के लिए पढ़ाई का अधिकार भी महाराजा हरि सिंह ने दिलाया था। तो इस चीज़ को जो है वो मद्देनज़र रखते हुए लोग चाहते हैं कि महाराजा हरि सिंह जी का जन्मदिन एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए बहुत कुछ किया है।
तो उनके जन्म दिवस पर छुट्टी ग्रांट की जाए। आप लोगों ने सुना भी, इनका कहना है कि अगर 23 सितंबर की छुट्टी ग्रांट नहीं की गई, आने वाले नए कैलेंडर में इस छुट्टी का ऐलान जो है वो नहीं किया गया, तो 10 सितंबर को ये यहाँ पर तंबू लगाकर बैठ जाएंगे और ये तब तक नहीं उठेंगे जब तक छुट्टी जो है वो नहीं मिलती। आप लोग भी इस समय लाइव देख रहे हैं, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखना ना भूलेगा कि जिस तरह से आज ये रोड ब्लॉक की गई है और इनका ये कहना है कि हर 23 तारीख को यहाँ पर रोड ब्लॉक की जाएगी, छुट्टी जब तक ग्रांट नहीं की जाएगी और 10 दिसंबर तक ये इंतज़ार करेंगे। अगर आने वाले 10 दिसंबर तक इनकी मांग पूरी नहीं हुई तो ये यहीं पर जो है यानी कि महाराजा हरि सिंह के स्टैचू के पास ही इनका तंबू जो है वो लग जाएगा और ये यहाँ से बिल्कुल नहीं हटेंगे। अगर इस समय तस्वीरें मैं दिखाऊँ, जम्मू कश्मीर पुलिस यहाँ मौजूद है, ADC खुद यहाँ मौजूद है और इस समय इनसे बातचीत की जा रही है ताकि रोड को पूरी तरह से क्लियर किया जाए, लेकिन इनका यही कहना है कि ये यहाँ से नहीं हटेंगे। तो ये लगातार तस्वीरें जो है मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रही हूँ कि यहाँ पर जो विक्रम चौक का पुल पड़ता है उसे ब्लॉक कर दिया गया है युवा राजपूत सभा द्वारा और इनका यही कहना है कि ये जब तक छुट्टी ग्रांट नहीं की जाएगी इनका ये प्रदर्शन जो है और उग्र होता रहेगा और चाहे यहाँ पर कोई भी आए, चाहे जो भी ट्रैफिक जाम हो, इनकी ओर से इस चीज़ को नहीं कंसिडर किया जाएगा क्योंकि ये लोग चाहते हैं महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन की छुट्टी। और महाराजा हरि सिंह जी की बात करूँ तो जम्मू कश्मीर को देश का हिस्सा यानी कि हिंदुस्तान का हिस्सा बनाने वाले भी महाराजा हरि सिंह ही थे, तो ये चाहते हैं कि इस चीज़ को प्रशासन ना भूले, ना ही कोई पॉलिटिकल कार्ड जो है इस समय खेले। ये एक डोगराओं की फीलिंग्स है, उनके सेंटिमेंट्स है, इन्हें ना हर्ट किया जाए और जल्द से जल्द जो है महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन की छुट्टी को ग्रांट किया जाए क्योंकि हर बार जो है महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन यानी कि 23 सितंबर की बात करूं तो आप लोग भी तस्वीरें देखते हैं, यही वो एरिया होता है जहां पे सेलिब्रेशंस भी हो रही होती है, यही वो एरिया होता है जहां पर रोड ब्लॉक भी की जाती है और मांग की जाती है हर बार, क्योंकि लगातार जो है वो LG से भी बात की गई है इस चीज़ को लेकर और आश्वासन भी दिया जाता है कि इस चीज़ को कंसीडर किया जाएगा, लेकिन हर साल बीतता रहता है, सरकारें बदलती रहती हैं, इस चीज़ को कोई कंसीडर नहीं करता और महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन की छुट्टी को ग्रांट नहीं किया जाता है और इसीलिए जो है हर बार युवा राजपूत सभा इस मांग को लेकर रोड पर आती है और लगातार यही मांग करती है कि इस मांग को पूरा किया जाए क्योंकि ये मांग जो है वो जेन्युइन है और डोगरों की भावनाओं से जुड़ी हुई ये मांग है। आप लोग भी समय लाइव देख रहे हैं, आप लोगों ने भी सुना कि इस कदर इनका क्या कुछ कहना था, अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखना ना भूलिएगा।